नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में वर्ष 2019 की जो रेलवे डी ग्रुप की भर्ती है उसकी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, यानी कट ऑफ है वो लगभग कितनी रहने वाली है इस पर बात करेंगे। इसके लिए एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम है वो लगभग अप्रैल 2021 से स्टार्ट होना प्रस्तावित है, यानी आप ये मान के चलिए कि अभी अपने पास है अभी से लेकर अप्रैल तक, यानी एक महीने का समय बचा है तैयारी के लिए। इसलिए जितना हो सके फ्रेंड्स तैयारी को है वो अच्छे से बना कर रखिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको जो कट ऑफ बताऊँगा वो इतनी क्यों रहेगी इसका आपके को कारण भी बताऊंगा, यानी किन कारणों की वजह से ये कट ऑफ है इतनी रहेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं कट ऑफ आपके साथ है वो साझा करूं फ्रेंड्स, एक नज़र अपन वर्ष 2018 की भर्ती पर डाल लेते हैं। वर्ष 2018 में कुल 62,907 पदों के लिए वो भर्ती कराई गई थी और उसमें 1.9 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी लगभग 1,90,00,000 अभ्यर्थी है वो इसके लिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ऑल ओवर कंपटीशन की बात करें वर्ष 2018 में तो लगभग वो 300 अभ्यर्थी पर है, वो 300 अभ्यर्थी है वो एक पोस्ट के लिए मैदान में थे, यानी 300 पे वो एक का सिलेक्शन हो रहा था। यही बात अगर अपन वर्ष 2019 में देखें तो लगभग 1,03,000 पोस्ट है आपकी टोटल, और ओवरऑल जो आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो लगभग 1.15 करोड़ है, यानी 1,15,00,000 अभ्यर्थी है उन्होंने आवेदन किए वर्ष 2019 की, तो 1,03,000 वाली जो भर्ती है उसके लिए। यदि इन आंकड़ों की सहायता से अगर अपन वर्ष 2019 की भर्ती के लिए ऑल ओवर कंपटीशन देखें इंडिया एक मोटे तौर पर, तो लगभग 112 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन होगा। अब अपन फ्रेंड्स एक बात तो ये हो गई कि दोनों जो वर्ष 2018 की और 2019 की जो दोनों भर्तियाँ हैं इनकी दोनों आंकड़ों में ही पोस्ट और आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों की संख्या में दोनों ही आंकड़ों में काफ़ी अंतर है। 2018 में पोस्टों की संख्या 62,907 थी, 2019 में 1,03,000 है। वर्ष 2018 में जो आंकड़े है वो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो 2 करोड़ को छू रहा था आंकड़ा, 1.9 करोड़ था। वर्ष 2019 में ये काफ़ी कम है, 2 करोड़ की बजाय 1.15 करोड़ है। एक तो मुख्य कारण ये हो गया कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहने वाली। अब अपने इसके दूसरे बिंदु की बात करें तो जितने भी अभ्यर्थी जो जिन्होंने 2018 का आवेदन किया था रेलवे डी ग्रुप में, उन्होंने सभी ने वर्ष 2019 की जो वैकेंसी है ये 1,03,000 वाली इसमें भी किया था, क्योंकि जब तक इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी तब तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फिजिकल वर्ष 2018 का सब बाकी था। मैंने भी इसके लिए आवेदन किया था वर्ष 2019 के लिए, जो मेरे साथ ही अभी ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने भी है वो इसके लिए आवेदन किया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो एएलपी वाले उन्होंने भी वर्ष 2019 की डी ग्रुप के लिए आवेदन किया था। जो आपकी आरआरबी जेई के जो लगभग 14,000 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे जेई वालों ने भी इसके लिए आवेदन किया था। इसके अलावा जो एसएससी जीडी है जो 54,000 यानी जो लगभग 54,000 पदों के लिए अभी जो भर्ती क्लियर हुई है ज्वाइनिंग बाकी है जिसकी, उन सभी विद्यार्थियों ने भी इसमें आवेदन कर रखा था। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेट है जिनकी अपनी स्टेट की जो वैकेंसीज है बड़ी बड़ी, जैसे यूपी पुलिस में भी है जो बहुत सारे विद्यार्थी लगे हैं उन्होंने भी इस डी ग्रुप में आवेदन कर रखा था 2019 में, और यूपी टीचर वगैरह, राजस्थान में बहुत सारी एग्जाम है जो क्लियर हो चुकी है या ज्वाइनिंग बाकी है जिनकी, उन्होंने भी इसमें एग्ज़ाम कर रखा था आवेदन कर रखा था। तो दूसरा कारण ये हो गया फ्रेंड्स कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो काफ़ी इंटेलिजेंट है होशियार विद्यार्थी है जो है या तो ज्वाइन कर चुके हैं या उनकी ज्वाइनिंग अभी हाल ही में जैसे जीडी वगैरह की ज्वाइनिंग होने वाली है। अब फ्रेंड्स अपन ये वर्ष 2019 की भर्ती है इसके लिए दो हाईएस्ट जो जोन जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है और दो सबसे लोएस्ट सबसे कम कंपटीशन रहेगा, दो दो जोन की बात कर लेते हैं। सबसे अगर हाईएस्ट कंपटीशन की बात करें वर्ष 2019 की भर्ती के लिए तो आप एक नंबर पे रहेगा फ्रेंड्स इलाहाबाद, जहाँ 192 अभ्यर्थी है वो एक पोस्ट के लिए मैदान में रहेंगे। और नंबर दो अगर हाईएस्ट कंपटीशन वाले जोन की बात करें तो आपका जयपुर है, जहाँ 183 अभ्यर्थियों में से एक का सिलेक्शन होगा, यानी 192 इलाहाबाद का आंकड़ा है और 183 वो जयपुर का। ये तो दो हो गए दो हाईएस्ट जोन। सबसे दो लोएस्ट जोन की बात करें तो नंबर एक है वेस्ट मुंबई, जहाँ से 92 अभ्यर्थी है वो एक पोस्ट के लिए कंपटीशन में रहेंगे, यानी 92 में से एक का सिलेक्शन होगा वेस्ट मुंबई से। और नंबर दो पे फ्रेंड्स हुबली, जो दोनों का आसपास आंकड़ा है हुबली का जो कंपटीशन है वो 93 में से एक का है, यानी एक पोस्ट के लिए 93 कंपटीशन करेंगे। ये दो हाईएस्ट और दो लोएस्ट आंकड़े हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको जो ये वर्ष 2019 की भर्ती के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल की बता रहा हूँ, आप अपनी जो कैटेगरी जैसे ओबीसी एससी एसटी या जैसे हैंडीकैप्ट वगैरह या एक्स सर्विसमैन है इनकी जो पीछे का आंकड़ा है उसके अनुसार 5, 7, 8, 10 तक कम कर लीजिए,
लगभग जो कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ, वो इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और आपकी कट ऑफ है वो श्योर मानिए इतनी रहेगी। अब ध्यान से सुनिए कि वर्ष 2019 के लिए जो भर्ती है इसकी कट ऑफ है वो 55-56 से लेकर 60-61 तक। रो मार्क्स की बात कर रहे हैं अपन, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, 55-56 से लेकर 60-61 तक जिसके भी एग्ज़ाम में रो मार्क्स होंगे, जब भी आपकी आंसर किया है, यदि आपके इतने रो मार्क्स हैं 55-56, 57-58, 59-60, 61 तक आगे हैं तो अच्छी बात है, अगर इतने हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है फ्रेंड्स, ये आप कन्फर्म मानिए। क्योंकि वर्ष 2018 की जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो कलकत्ता की थी 80.5, और सेकंड जो कट ऑफ रही थी हाईएस्ट वो थी गुवाहाटी की 77 पॉइंट कुछ। ये 80 और 77 ये वाला आंकड़ा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद था, और उस समय कंपटीशन कितना था, 300 में से एक का सिलेक्शन हो रहा था, और अभी है वो 112, यानी लगभग मानिए 100 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, कंपटीशन है वो 1/3 रह गया है, यानी लगभग 60% कंपटीशन है वो लेस हो गया है, कम हो गया है। ऐसे में फ्रेंड्स जब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद है वो आप आराम से कट ऑफ को पार कर लोगे, ये आश्वस्त रहिए, लेकिन 55-56, 57-58 तक है आपके नंबर आए, इतनी अपनी तैयारी ज़रूर बना के रखिए, लगभग एक महीने का समय है। तो एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ फ्रेंड्स कि वर्ष 2018 की अपेक्षा 2019 में वो कंपटीशन काफ़ी कम है, जैसे अपन मैंने चर्चा की कि 2018 में वो 300 में से एक पे हो रहा था, वर्ष 2019 में 112 में से एक पे एक का सिलेक्शन हो रहा है। 2018 में के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने 2019 की जो ये वैकेंसी इसके लिए आवेदन किया था, इसके अलावा भी जितने भी जैसे ALP, RRB, JEE, अपनी SSC, GD, बहुत सारे जो अन्य एग्जाम्स हैं जो क्लियर हो चुकी है, ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है जिनकी, उन्होंने भी इसमें आवेदन कर रखा था। इसका मतलब फ्रेंड्स कि इसकी कट ऑफ है वो ओवरऑल वर्ष 2018 की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगी, ये बात अपन इसमें कर चुके हैं। लगभग कट ऑफ है आपकी 55-56 से लेकर 60-61 तक रहने वाली है। इस बात पे फ्रेंड्स मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप इतने नंबर आ सके इसके लिए तैयारी, इतनी तो कम से कम तैयारी ज़रूर कीजिए, और अच्छी तैयारी है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फ्रेंड्स रेलवे डी ग्रुप के लिए जैसे आपका फिजिकल किस प्रकार होगा, मेडिकल में फ्रेंड्स क्या क्या चेक होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, एवं यदि उनमें कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन का क्या समाधान होगा, इस पर भी मैं आपको है वो एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा समय निकाल कर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिले।